बुधवार को रुक रुक कर हुई बारिश के बाद मांझा बाजार में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जमाव की समस्या नई नहीं है, बल्कि आमजनों को अब इसकी आदत पड़ती जा रही है। जल निकासी का कोई प्रॉपर साधन नहीं होने के कारण प्रत्येक बारिश के बाद लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। बुधवार को भी हल्की बारिश के बाद ही जल जमाव से नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाजार में जहां देखो कीचड़ और पानी ही नजर आ रहा है। इसकी वजह से दुकानदारों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है, जिससे उनमें निराशा का माहौल रहता है। मांझा बाजार आने वाले अधिकतर ग्राहक अब दूसरे बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। लोग इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कोस रहे हैं। उनका कहना है कि सभी जनप्रतिनिधि भी इस समस्या से जूझते हैं। स्थानीय अधिकारियों के भी आने जाने का यही एकमात्र रास्ता है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मांझा बाजार की बजरंगी चौक से पानी टंकी मोड़ तक, मांझा ब्रह्मस्थान से ऐतिहासिक शिव मंदिर तक की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। अब इसको लेकर युवाओं ने आंदोलन करने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, मांझागढ़, बिहार।